जन्माष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाते हो। क्या भोग लगाते हो? पंजरी का। और वो पंजरी क्या होती है? धनिया का पाउडर, सूट। और ये धनिया का पाउडर सूट क्या है? सूट क्या है? ये तो मसाला है, मसाला। भगवान का जन्म का प्रसंग और इतने कोमल अवसर पर आपको भगवान को भोग लगाना हो तो क्या लगाना चाहिए, आप कल्पना कर सकते हैं। क्या उस समय मसाले का पाउडर भोग लगाओगे? धनिया का पाउडर? अरे धनिया का पाउडर का तो कोई नाश्ता भी नहीं करता है। आपको नाश्ते के रूप में धनिया का पाउडर देंगे तो खाओगे? कभी नहीं खाओगे। आज तक हमको किसी ने नाश्ते में धनिया का पाउडर नहीं दिया और न किसी ने सूट दिया। और आप भगवान को जब भोग लगाते हो जन्माष्टमी के दिन, तो सूट का और धनिया के पाउडर का भोग लगा। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात बोली। मां ने देखा 8 वर्ष के भगवान, 8 वर्ष का विग्रह सामने। ओहो हो हो हो, 8 वर्ष का है। और इसको मैं कुछ खिलाना चाहती हूं अपने हाथों से, क्या खिलाऊं? लेकिन वो कारागृह में थी, उसके पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं था नारायण। और उस समय वो देख रही थी, थोड़ा धनिया का पाउडर पड़ा है, सूट पड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उस भावना में नारायण भगवान को वही भोग लग गया। और आप उस यशोदा मैया के वो भाव को आज भी प्रकट करते हुए भगवान को पंजरी का भोग लगाते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। सूप में स्थापित कर दिया और शीर पर धारण करके नारायण चल पड़े। यमुना मैया को लांघा, यमुना मैया ने जगह दे दी और 84 वर्ष की उम्र में, 84 वर्ष की उम्र थी मैया की, 89 वर्ष की उम्र थी बाबा की। संतान हुई लेकिन मां को मालूम नहीं पड़ा, मूर्छित योग माया की अवस्था में मां पड़ी थी। रात्रि के समय वहां पहुंचे नारायण। भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया की गोद में रख दिया और उस बालिका को लेकर वापस आ गए। जैसे अंदर आए कारागृह में, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आज जितने भी सेवकगण थे वो नारायण गहरी नींद में सो रहे थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। एक आश्चर्य की घटना घटी यहां पर। सुखदेव जी महाराज ने एक बड़े गहरे रहस्यमय शब्द का प्रयोग किया है, थोड़ा सोचो तो। उनके हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, और वो बेड़ियां खुली नहीं थी, वो हाथों से सरक गई थी। खुलना अलग है, सरकना ना अलग है। और वो बेड़ियां अभी हाथों में आ नहीं रही है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदला। गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, जय गोपाल नंदलाल, जय गोपाल नंदलाल।
श्री गणेश श्याम मेरे राधे गणेश
गोपाल नंदलाल राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। प्रयागराज धाम की जय हो। भारद्वाज जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पावन वांग्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री रंगानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज आलंदी पंडरपुर से पधारे, स्वामी श्री सुबोधानंद जी महाराज, समस्त संत वृंद, भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा साधक जन श्रोता जन, बड़े ही सौभाग्य से मेला के पावन अवसर पर प्रयागराज के इस दिव्य धाम में मेला क्षेत्र में काली सड़क, शास्त्री पुल,
शंकराचार्य मार्ग पर स्थित महामंडलेश्वर नगर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अंतर्गत बैठकर के आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान का जन्म हुआ, अनेकों प्रकार की लीलाओं का भी श्रवण किया। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और वहाँ से भगवान गोकुल चले गए। उस बच्चे को संभालो भैया, बच्चे को संभालो। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। भगवान मथुरा छोड़ करके गोकुल गए। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ लेकिन भगवान के दर्शन बहुत से लोगों ने नहीं किया। भगवान का प्रकट होना अलग बात है। भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य मथुरा में है लेकिन उनको पालन करने का सामर्थ्य मथुरा में नहीं है। पालने का सामर्थ्य गोकुल में है। मथुरा में हिंसा है, मथुरा में स्वार्थ है, वासना का साम्राज्य है, कंस अहंकार का प्रतीक है। भगवान प्रकट तो हुए वहां लेकिन भगवान के दर्शन केवल वसुदेव महाराज और देवकी ने किए। स्वयं भगवान ने कहा कि माम गोकुलम नय, मेरे को गोकुल ले चलो, क्योंकि गोकुल में भगवान के पालन पोषण की सारी सुविधाएं हैं। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार की साधनाएं हुआ करती हैं। भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है लेकिन साधना की निरंतरता के अभाव में वो भगवत साक्षात्कार का जो अंकुर है वो सूख जाता है। इसलिए साधना की निरंतरता बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में सादगी हो, विनय हो, अहिंसा हो, दया हो, करुणा हो, मानवीय दिव्य गुणों के बिना भगवत साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के बाद उस भगवत साक्षात्कार की दिव्य अनुभूति को अपने जीवन में बनाए रखना संभव नहीं है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचलं कृत। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि गोकुल में भगवान के आने का बहुत बड़ा कारण है। वो नंद बाबा का गोकुल है और उसका नाम गोकुल है, इसी नाम से ही सिद्ध है कि वो भगवान के रहने का स्थान है। गवांग कुलो गोकुलः, जहां पर अधिक मात्रा में गायें निवास करती हैं, अधिक मात्रा में गायें निवास करती हैं, इसीलिए उसका नाम गोकुल है। गाय अहिंसा का प्रतीक है।
वात्सल्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। जहां पर वात्सल्य है, दया है, अहिंसा है, वहां भगवान का वास है। केवल गाय नहीं, वहां पर गोपियां भी हैं, गोप जो भगवान को प्रेम दे सकते हैं, वो बड़े ही निर्मल और बड़े सरल है। और उनके मन में भगवान के प्रति अगाध प्रेम आस्था क्यों न हो, भगवान के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। यशोदा मैया माँ का नाम ही अपने आप में अध्यात्म का प्रतीक है। यशम ददाति इति यशोदा, जो यश प्रदान कर देती है। यशोदा माने दूसरे को श्रेय देने वाली। आदमी श्रेय लेता है, देता नहीं है। आप हमेशा देखना, आदमी श्रेय लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। आदमी बोलता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा बोलता है। अहंकार विमूढ़ाता विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। भगवान ने कहा कि अहंकारी जो आदमी है वो हमेशा विमूढ़ होता है और वो कर्तृत्व अपने तरफ खींच लेता है। जब कोई अच्छी बात घटती है तो आदमी कहता है ये मैंने किया, और जब कोई बुरी बात घटती है तो आदमी बोलता है उसने किया। अच्छे कामों का श्रेय हर आदमी लेना चाहता है और बुरे कर्म का श्रेय आदमी दूसरे पर डालना चाहता है। लेकिन विनम्र आदमी जो होता है वो हमेशा सत्य का अन्वेषी होता है। विनम्र आदमी सत्य को कहता है, यदि मैंने किया तो मैंने किया, तुमने किया तो तुमने किया। और कई बार व्यक्ति श्रेय दूसरे को भी दे देता है। आदमी श्रेय दे देता है। भगवान श्याम सुंदर का जब जन्म हुआ, माँ यशोदा ने श्रेय लिया नहीं, दे दिया नारायण। माँ यशोदा ने कहा कि ये महात्माओं के आशीर्वाद से बेटा हुआ, 84 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा होने की संभावना, ये तो असंभव सा कार्य था। माँ ने ये बात कभी नहीं कही कि मैंने तपस्या की, मैंने पूजा पाठ की, इसलिए मेरे को बेटा हुआ, ऐसा कभी नहीं। माँ ने श्रेय दे दिया महात्माओं को, साधु ब्राह्मणों को, भगवान को, अपने पितरों को, पूर्वजों को। माँ को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने पुण्य किया, उसका फल ये मेरी संतान है। बड़े बूढ़ों को श्रेय दे दिया माँ ने। वृंदावन में रहने वाले लोगों को माँ ने श्रेय दे दिया। ये बहुत बड़ी गहरी बात है और ये बहुत ऊंची बात भी है। ये बहुत बड़ी के साथ बहुत ऊंची भी बात है आध्यात्मिक दृष्टि से। और ये नंद बाबा का भी नाम जो है, नंद, ये भी बड़ा मजेदार नाम है। नंद यति आनंद यति परान इति नंदहर, जो हमेशा दूसरे को आनंद प्रदान कर दे नारायण, उसी का नाम नंद है। नंद माने दूसरे को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरे को आनंद देना ये बहुत ऊंची बात है। आदमी दूसरे को दुख दे देता है,
अपना ऐसा आचरण करेगा, ऐसा आचरण, ऐसा बोलेगा और वो सामने वाले को दुख होगा। कई बार होता है दूसरे को सुखी देख करके आदमी परेशान हो जाता है, दूसरे को खाते हुए देख के भी आदमी परेशान हो जाता है। आदमी को लगता है कि ये इतना ज्यादा क्यों खा रहा है, हम तो खा नहीं पा रहे हैं, तुम इतना कैसे खा रहे हो भाई, हम तो खा ही नहीं। दूसरे के सुख को देख करके ये जलना भी ये बहुत बड़ा रोग है, मनोरोग है। दूसरे के सुख को देख करके आनंदित होना एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरे के सुख को देखकर आदमी को सुखी होना चाहिए और दूसरे के दुख को देख करके आदमी को व्यथित होना चाहिए। जब आप दूसरे के दुख को देखकर व्यथित होंगे तो आप दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करोगे, आप उसकी मदद करोगे। और दूसरे के सुख से यदि आप दुखी हैं तो आप कोशिश करोगे नारायण दूसरे के उस दुख को, उस सुख को दुख में कैसे बदला जाए। ये बहुत बड़ा गुण है दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दुखी होना। जब आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो आप उसके दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं और सुख में जब सुखी होते हैं तो सुख को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और किसी के सुख को देख करके आप दुखी हैं तो आप उसके सुख को मिटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरे का सुखी होना हमारे दुख के प्रतिकारण है। तो एक स्वाभाविक नियम है, आप अपने दुख को बढ़ने नहीं दोगे, आप उसके सुख को मिटाना चाहोगे, क्योंकि उसका सुख हमारे दुख का कारण है। लेकिन ये आध्यात्मिक होना नहीं है, आध्यात्मिक होना बिल्कुल विपरीत। आप जब दूसरे के दुख में व्यथित होते हैं तो दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे के सुख में जब आप सुखी होते हैं तो आप दूसरे के सुख को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नन्नस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय वे विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचलंकृत। सुखदेव जी महाराज जी कहते कि नंद बाबा, नंद 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 आनंद, कल आप लोग श्रवण कर रहे थे नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबा का स्वभाव है आनंद, जो भी बाबा के पास आता है वो आनंदित होके जाता है। ये बाबा का कोई नाम नहीं, बाबा का स्वभाव है। जैसे माँ के पास कोई आता है तो श्रेय लेके जाता है, ओ माँ बोलते हो तुम तो बहुत अच्छी हो, माँ सामने वाले के गुणों का बखान करती है। जो भी आता है माँ से प्रेरणा लेके जाता है, यशोदा यश ले जाता है, वो यशोदा है, वो यश देने वाली है। जो भी आएगा माँ उसको यश प्रदान कर देती है, ओ खुश हो जाता है सामने वाला, प्रसन्न, आत्मविश्वास उसका बढ़ता है, हर चीज में कुछ होने का एहसास बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं उसके सानिध्य में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम खराब आदमी हैं,
वो ऐसी बातें सुना देगा आपको कि आपको खुद को ही लगेगा कि दैन्य का अनुभव। कुछ लोग ऐसे हो जाओ ऐसी बात सुना देगा, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं भी कुछ हूं और मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ होना है, होने की संभावना पैदा हो जाती है। ये मां का गुण है जहां पहुंचने के बाद कुछ होने की संभावना पैदा हो। वो बहुत बड़ा मातृत्व है, वो पैदा करने वाला मातृत्व है, मां के अंदर वो कुट कुट के भरा हुआ है और बाबा के पास जो जाता है वो आनंद मग्न हो जाता है। बाबा के पास जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता है, खाओ पियो आनंद प्रदान करते हैं। बाबा माने आनंद की प्रतिमूर्ति। ये दोनों जो गुण है नारायण बहुत आध्यात्मिक है। आनंद प्रदान करना बाबा का स्वभाव है, यश प्रदान करना यशोदा मैया का स्वभाव है, और ये दो गुण जहां पर होंगे वहां पर भगवान होंगे। मथुरा में भगवान पैदा तो हुए लेकिन वहां भगवान नहीं रहे। भगवान भी खोजते हैं, भगवान भी अच्छे लोग खोजते हैं, केवल हम ही अच्छे लोग नहीं खोजते हैं, भगवान भी अच्छे लोग खोजते हैं। भगवान पैदा तो हुए केवल वसुदेव और देवकी को आश्वस्त करने के लिए, उस आकाशवाणी को सिद्ध करने के लिए, इनके आठवें संतान के द्वारा तुम मारे जाओ प्रकट तो हुए। लेकिन भगवान वहां से गोकुल चले आए नारायण। बाबा ने बहुत कुछ दान दिया, यहां वर्णन आता है बाबा इतने खुश हो गए। आदमी जब प्रसन्न होता है तो देना चाहता है और जब नाराज हो जाता है तो लेना चाहता है। आप जब खुश हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या दें, और नाराज हो जाओगे। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी आपस में झगड़ा करते हैं, नाराज हो जाते, वो बोलेगा कल तुमको चॉकलेट दिया था हमारे वापस कर दो, वो नाराज हो गया, बोलेगा हमने तुमको दिया था हमारे वापस कर दो, खिलौना दिया था बोले वापस कर दो। बाबा को परम आनंद हुआ, 89 वर्ष की उम्र में संतान हुई नारायण। 89 वर्ष की उम्र बाबा की, 84 वर्ष की उम्र मैया की, पूरे ब्रजमंडल में सूचना पहुंच गई बाबा के घर में बालक आया हुआ है। और वो जितने भी ब्रजवासी हैं ना वो एक जैसे हैं सारे, बहुत भोले भाले, आध्यात्मिक, एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले, दया और वात्सल्य से परिपूर्ण। उनके जीवन में बहुत सारे दिव्य गुण हैं और वो ब्रजवासी कोई सामान्य नहीं, वे पूर्व जन्म की अनेकों प्रकार की साधनाएं करते करते उनकी साधनाएं परिपक्व हो चुकी हैं और उस अंतरंग साधना का परिपाक वो भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने ब्रजमंडल में जन्म लिया है। और वो कोई एक दो नहीं, हजारों हजारों गोपियां, हजारों हजारों गोप हैं, कुछ तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वर्षों से, किसी की उम्र 50, 60, 70, 80, लंबी उम्र, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान का आगमन होगा। और उनमें नारायण कोई 50 साल के हैं, कोई 10 साल के हैं, कोई बच्चे भी हैं। वात्सल्य भाव की उपासिका है माताएं, सख्य भाव के उपासक ग्वाल बाल, माधुर्य भाव की उपासिकाएं गोपियां हैं, और वो विभिन्न आकृति सौंदर्य उमर
जाति गोत्र आदि के लोग थे और वो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण, मालूम पड़ा भगवान का आगमन हुआ और वो जो चीजें उनके पास थी ना वो लेकर के चल पड़े बाबा के आंगन के तरफ और बड़े मदमस्त थे, बड़े आनंद में विभोर नृत्य गान करते हुए छोटी छोटी टोलियां बना के ग्रुप बना के और उनके पास जो भी था देने के लिए वो सब कुछ लेकर के बाबा के पास आए और बाबा को मैया को समर्पित करते और भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते और भगवान को आशीर्वाद देते थे। चिरम पाही बालकी, और वो आशीर्वाद भी क्या देते, भगवान को आशीर्वाद देते थे कि लंबी उम्र जो माने जल्दी मत मरो। मतलब ये हुआ आप किसी को बोल रहे हैं कि आप लंबी उम्र जियो, मतलब ये हुआ कि तुम जल्दी मत मरो, ये हुआ। वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम कभी मत मरना, मतलब जो अजर अमर है, जो कभी नहीं मरने वाला है उसको भी गोपियां आशीर्वाद दे रही थी कि तुम कभी मरना नहीं, लंबी उम्र जीना, लंबी उम्र जीना। यही तो गोपियां है नारायण, उस अजर अमर परमात्मा को उन्होंने जरावान बना दिया है, अजन्मा को जन्मवान बना दिया। जो निराकार है उसको गोपियों ने साकार बना दिया है और आज गोपियां भगवान को यही बोल रहे कि तुम कभी मरना मत, और जब तुम कभी मरोगे नहीं तो फिर कभी पैदा भी नहीं होंगे। माने गोपियों का भाव यही तो है, न तुम कभी मरना न कभी तुम पैदा होना, जैसे है हमारे सामने रहना। नारायण अनेकों दिनों छह दिन छठी का दिन है आज, नंद बाबा के भी मन में आया चलो बहुत लुटा लिया, अनेकों प्रकार से साधु महात्मा ब्राह्मणों गरीबों में अन्नदान बहुत सारी चीजें बाबा ने लुटा दी, दान कर दिया और उसके बाद बाबा ने सोचा चलो यहाँ से हम मथुरा जाएंगे और मथुरा में राजा रहता है कंस, उसको हम कर प्रदान करेंगे और बालक आने का शुभ समाचार भी उसको प्रदान कर देंगे। अनेकों प्रकार के उपहार लेकर के बाबा कंस के पास गए, आज छठवां दिन है और उधर कंस ने योजना बनाई थी नारायण, इस 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं व्रजमंडल में उन सबको मार देना है। कंस का स्वभाव बहुत क्रूर है, वो अहंकार का प्रतीक है, वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो किसी को भी मार सकता है, दूसरे के अस्तित्व को मिटाना उसका स्वभाव है। उन्होंने अपने दासी को आदेश दिया, एक पूतना नाम की दासी थी बड़ी क्रूर कर्मा, उन्होंने कहा कि ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको तो मार डालो। आज अब 10 दिनों के सारे बच्चे मारे जाएंगे तो फिर मेरे को मारने वाला जो 8वां है वो उसमें मारा जाएगा और फिर मैं कभी नहीं मरूंगा। बहुत सुंदर रूप धारण कर पुतना कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु चकार विघ्नंति पुरग्राम ब्रजादिशिव साखेचरे एकदोपत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्रावेशत कामचारिणी।
जब वो निकली ना तो बहुत सुंदर अपने आप को बनाया उन्होंने, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, आंखों में काजल लगाया, अनेकों प्रकार के अलंकार उन्होंने धारण किया। ऐसा लग रही थी कि मानो ये कोई बहुत बड़े परिवार की महिला है, सभ्य है। वो काम करने के लिए जा रही थी असभ्यता का, लेकिन उन्होंने आवरण अपने ऊपर डाल लिया था सभ्यता का। सा खेचरी पूतना गोकुलम, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज। वो ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, शिशुश चकार निकलन्ति। आश्चर्य की बात, बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ी हैं और वो बच्चों को ढूंढ रही किसके घर में बच्चा पैदा हुआ इस 10 दिन में। जाके पूछती, क्या इस 10 दिन में तुम्हारे गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ? उसका विचार था जैसे वो बोलेंगे वो किसी न किसी प्रकार उसको हम मार देंगे, स्तनों में जहर लगा रखा था, दुग्धपान करा देंगे, मार देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात, गांव में जाके पूछती, इस गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ? लोग बोलते हाँ, और उसको भगवान की ऐसी माया सुनाई देता, ना इस गांव में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। भगवान ने सोचा इस 10 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए उतने तो आज तक गोकुल में कभी हुए ही नहीं थे। अनेकों जन्म की साधना करने वाले साधक नारायण वहां पैदा हो चुके थे भगवान की सेवा करने के लिए, और भगवान को मालूम था ये सबको मार देगी, इसलिए भगवान ने ऐसी माया का अच्छादन आवरण डाल दिया। नारायण किसी भी घर के सामने जाके पूछती, क्या इस घर में बच्चा है? बोले नहीं। वो बोलते हैं इसको सुनाई देता नहीं। पूरे ग्राम ब्रजादिशु, पूरे नगर के नगर छान मारे उसने, गांव के गांव छान मारे उसने, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं मिला। भगवान ने रक्षा कर दी। क्यों ना हो नारायण, भगवान आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका अस्तित्व, आपका जीवन, आपका सोच उसके प्रति समर्पित है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी रक्षा कर ले, और वो आपकी रक्षा करता है, दावे के साथ करता है। इसलिए आदमी को हमेशा उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन जीते हैं तो परमेश्वर को आपकी चिंता बनी रहती है। बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन, विचिन्वती मने चयन, चयन अर्थ मैंने बहुत बारीकाई से देख रही थी कौन से घर में, किस गांव में, कहां, नगर नगर, गली गली ढूंढते हुए एक भी बालक उसको नहीं मिला। और आश्चर्य की बात, बहुत बड़ा नगर ग्राम और बड़ी बड़ी गौशालाएं ढूंढने के बाद भी भगवान नहीं मिले, लेकिन असदंत कृत, भगवान से बहुत लंबा इसको घुमाना जरूरी नहीं है, जल्दी करो इसको जल्दी निपटाओ। आज भगवान इस साधना के बाधा को जल्दी निपटाना चाहते थे, साधना के बाधक तत्व यदि बहुत लंबे समय तक आपके सामने हो बहुत बड़ी बाधा है। हमारी साधना निरंतर चलनी चाहिए, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको सफलता यदि पाना है तो लंबे समय तक आप साधना कीजिए। आपने एक बार भगवान का नाम लिया और सोचने लगे कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं,
नहीं, आपको थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कुछ है ना, वो लंबे समय के अंतराल में आई हुई चीजें हैं। अभी आप बैठे हैं, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका उठना, आपकी हर चीज जो है ना, वो एक तत्काल मिली हुई नहीं है, वो बहुत लंबे समय के बाद आपको मिली हुई है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं सबको, आपको ढोकला अच्छा लगता है क्या? खाने में अच्छा लगता है, भापले अच्छे लगते होंगे, आप मालवा के हैं तो आपको भापले बहुत अच्छे लगते हैं। कभी मैं मालवा के बच्चे को पूछ लूं तुमको क्या अच्छा लगता है, तो वो यही जवाब देता है, भापले अच्छे लगते हैं, भापले अच्छे लगते हैं। किसी पंजाबी को बोलो तो उसको ना भापले अच्छे लगते हैं ना उसको उसको क्या लगता है, मकई की रोटी और सरसों का साग अच्छा लगता है। और कोई दक्षिण भारतीय हो उसको क्या अच्छा लगता है, उसको इडली डोसा उत्तप्पा वो अच्छा लगेगा उसको। कोई महाराष्ट्रीय हो तो उसको पूरणपोड़ी अच्छी लगती है। ये बात क्या है, आखिर आपको कोई चीज इतनी अच्छी क्यों लगती है, आप उस चीज के प्रति इतने पागल क्यों हैं? जब मैं बनारस में पढ़ता था तो एक हमारा मित्र था, 6 महीने के बाद वो भाग जाता था, और वो 15 दिन के बाद वापस आता, मैं पूछता कहाँ गए थे भैया, कहाँ गए थे, वो बोलता कि मैं दही चूड़ा खाने के लिए गया था प्रभु जी, बोलता दही चूड़ा। अब बिहार के आदमी को दही चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, इतना पागलपन। आपको खाने की कोई चीज और उसको खाने के लिए आप इतना व्याकुल, भयंकर, बात क्या है? आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आप में इतना पागलपन क्यों है? उसका एकमात्र कारण है अभ्यास, दीर्घ का। तुम इधर आ, तुम सामने आओ, उनको बैठो, तुम सामने बैठो, इधर तुम यहां आ जाओ। कुर्सी की जरूरत तो नहीं, कुर्सी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आपने खाया है एक बार, दोबारा, तिबारा खाते गए, और खाते खाते उस खाने से प्रेम हो गया, और कुछ नहीं है। अब वो ढोकला आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब आपको वो उत्तप्पा बहुत अच्छा लगेगा, आप पागल होंगे उसके प्रति, क्योंकि आपने खाया है एक बार दो बार। जो हम करते हैं वो करना हमारी आदत बन जाती है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है, और जो स्वभाव बन जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, अभी तो उसको हमने दोहराया है, बहुत बार दोहराया, इसलिए वो अच्छा लगता है। हम अपनी वासना को बहुत बार दोहरा लेते हैं, हम जितना वासना को दोहराते जाते उतनी वासना हमारी गहरी होती जाती है, और फिर वो वासना अच्छी लगती है। अच्छाई वासना में नहीं है, उसके दोहराने में है। आप जितना ज्यादा दोहराते जाओगे उतना वो अच्छी लगेगी, इसका अर्थ ये नहीं वो अच्छी है, और वो चीज हमारे दिमाग में एक पागलपन पैदा कर देगी। इस संसार का इतना पागलपन क्यों है? भक्त प्रह्लाद ने दैत्य बालकों को जब उपदेश किया तो बहुत एक गहरा सूत्र दिया, आपको प्रकाश जलाने की जरूरत है, अंधकार जलाने की जरूरत नहीं है। अंधकार तो बिना जलाए प्राप्त है, लेकिन आपको प्रकाश जलाना पड़ता है, दिया जलाना पड़ता है,
माचिस की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है। अनेकविध साधनों का आश्रय लेकर एक आप दिया जलाते हैं, लेकिन आपको अंधकार को जलाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो सहज प्राप्त है। आपको अज्ञान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ज्ञान के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिना किए हम अज्ञानी हैं, और आप अज्ञानी कब से हमारे बेंगलोर से पधारे हुए आदरणीय फणिराज जी, बहुत अच्छे साधक हैं। ये तो सफेद कपड़े में सन्यासी है, और वो वेदांत का चिंतन करते हैं, हजारों साधकों को वेदांत का बोध कराते हैं, और एक चीज पर हमेशा विचार करते हैं, वो उनको याद दिलाते हैं, अज्ञान अनादि है, ऐसा बोला, अज्ञान अनादि। अज्ञान अनादि मतलब इतना ही है कि आप अज्ञानी कब से हैं इसका कोई पता नहीं है। आप मेरे को कब से जानते हैं तो आप बहुत अच्छी प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं आपको 2 साल पहले से जानता हूं, मैं आपको इलाहाबाद के कुंभ से जानता हूं, लेकिन मैं आपको पूछूं कि आप मेरे को कब से नहीं जानते थे, इस नहीं जानने का प्रारंभ कब से हुआ ये आपको पता नहीं है। जानने का प्रारंभ मालूम है, लेकिन नहीं जानने का प्रारंभ किसी को भी मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग ज्ञानी होने का दिन मनाते हैं, बुद्ध मनाते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ, लेकिन बुद्ध कभी नहीं बता पाएंगे कि मैं कब से अज्ञानी हुआ, जीवन में अज्ञान का आरंभ कब हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए अज्ञान को अनादि बोला, अनादि, इसका कोई आदि नहीं है, अनादि। काम सहज प्राप्त है, क्रोध सहज प्राप्त है। आपने काम को पैदा करने के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं, पैदा होती। आपको किसी ने सिखाया क्या क्रोध करना? बच्चा पैदा होते ही वो थोड़े समय के बाद वो उसकी भाव भंगिमाएं बदलती मालूम पड़ता है क्रोध कर रहा है, मालूम पड़ता है जल रहा है, ये ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन आपने उनको सिखाया नहीं है, और उन्होंने माता पिता से भी नहीं सीखा। आश्चर्य की बात तो ये है, उसको उठना सिखाया, बैठना सिखाया, भाषा सिखा दी, लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस, जो भावनाएं थी, वो किसी ने भी नहीं सिखाई, वो अपने आप पैदा हो गई, और वो बहुत गहरी से गहरी क्रोध करने में हम एक्सपर्ट हैं, काम में एक्सपर्ट हैं, लोभ में एक्सपर्ट हैं, ईर्ष्या में बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन किसी ने सिखाया नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं नार, ये प्रतिबंध है, कामी, क्रोधी, लोभी, ये जो भाव है ये अनंत जन्मों के भाव है। हर जन्म में काम था, हर जन्म में क्रोध था, हर जन्म में लोभ था, और अनंत जन्म के उस अभ्यास के फलस्वरूप आज वर्तमान जीवन में भी वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं, और बहुत गहराई से हैं। संसार यदि दीर्घकाल तक है तो आपको साधना भी दीर्घकाल तक करनी पड़ेगी, आपको उसको मिटाने के लिए भी दीर्घकाल तक अभ्यास करना पड़ेगा, दीर्घकाल, निरंतर, सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि,
इसलिए आदमी को बहुत लंबे समय तक प्रतिबंध में नहीं जीना चाहिए। आप लंबे समय तक प्रतिबंध में जियोगे तो आपके साधना के जो अंकुर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे प्रतिबंध आया उसको हटा देना चाहिए। आपने कितना दिन से ध्यान नहीं किया है आपको मालूम होना चाहिए। ओहो, बहुत बड़ा प्रतिबंध है, हटाओ इसको, बहुत लंबा समय बीता हमने ध्यान नहीं किया, उसको जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए उस प्रतिबंध को। ये तो भगवान संदेश दे रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में पूतना को घूमने की, बच्चों को ढूंढने की स्वतंत्रता भगवान देते तो महीनों लगता, महीनों घूमती रहती और भगवान की प्रेरणा से उसको बच्चे भी नहीं मिलते। लेकिन भगवान ने सोचा ये प्रतिबंध है, लंबा नहीं घूमना चाहिए। लंबे समय के प्रतिबंधों को दूर करने की प्रेरणा देने के लिए ही भगवान ने शीघ्रता पूर्वक बस वो गई ब्रजमंडल में और भगवान ने जल्दी से जल्दी खींच लिया उसको। और वो बलात् नारायण यदृच्छया, यदृच्छया माने प्रभु की इच्छा से, नंद ग्रहे असदंत कृत, नंद बाबा के घर पहुंच गई और आंगन में सेविकाओं को उन्होंने पूछा, या इतना आनंद उत्सव का वातावरण क्यों है? सुना दिया यहां बच्चा पैदा हुआ है। हजारों बच्चे पैदा हुए लेकिन अभी तक पुतना के कान पर एक भी शब्द ऐसा नहीं आया इस घर में बच्चा पैदा हुआ। और जैसे कृष्ण के पास पहुंच गई।